तो हेलो बच्चों, सब कैसे हो? होपफुली ऑल आर वेल एंड गुड। रूम पे हो एंड ऑनलाइन क्लास का मजा ले रहे हो। तो अभी डायरेक्ट लेक्चर में चले जाते हैं। पिछले दिन हम लोग फंक्शन का कितना दूर पढ़े थे, हम लोग डिस्कस किए थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद जो फंक्शन आता है उस फंक्शन का नाम होता है तुम्हारा एक खतरनाक फंक्शन है, बहुत ही खतरनाक फंक्शन। नाम क्या है? लॉगरिदमिक फंक्शन। ये बहुत ही खतरनाक फंक्शन में आता है, ठीक है, लॉगरिदमिक फंक्शन। तो अभी लॉगरिदमिक फंक्शन है क्या? अच्छा देखो, बीच में इधर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बात भी मैं किया था। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मैं ये बता दिया था डोमेन क्या है, तुम्हारा रेंज क्या है, ग्राफ कैसे बनेगा, ये सब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे। सिमिलरली अभी हम लोग लॉगरिदमिक फंक्शन में, लॉगरिदमिक फंक्शन क्या है, उसका डोमेन क्या होगा, उसका रेंज क्या होगा, या वो रिलेटेड ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। एक चीज याद रखना हमेशा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसका इन्वर्स होता है तुम्हारा लॉगरिदमिक फंक्शन, ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं तुमको, देखो सपोज सोच लो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिख रहा हूं, ठीक है, y इक्वल टू 2 टू द पावर x, y इक्वल टू 2 टू द पावर x तुम्हारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसका अगर एक ग्राफ मैं बोलूंगा, इसका ग्राफ बताओ क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे, सर इसका ग्राफ होगा इधर देखो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो सर इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा y इक्वल टू 2 टू द पावर x का, ठीक है। मैं बोलूंगा हाँ सही बता रहे हो, ये होगा y इक्वल टू 2 टू द पावर x का ग्राफ, ठीक है। अभी देखो इसका मतलब क्या है, इसको अगर तुम लॉग में कॉन्वर्ट करोगे, इसको अगर मैं लॉग में कॉन्वर्ट किया तब तुम्हारा क्या आएगा, तब a आएगा। देखो तो इसमें क्या होगा, इसको अगर मैं लॉग में कॉन्वर्ट किया तो क्या आ जाएगा, लॉग में अगर इसको कॉन्वर्ट किया तब तुम्हारा क्या आएगा, तब आ जाएगा तुम्हारा log y बेस 2 इक्वल टू x। इसका मतलब ये है या नहीं है बताओ, इसका मतलब ये है log, इसके बाद वाला लाइन क्या होगा, 2 दिवार x इक्वल टू y, इससे ये लाइन आता है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो अभी लॉगरिदमिक फंक्शन का अगर बात करूंगा, सपोज सोच लो एक फंक्शन ऐसा गिवन दिया हुआ है y इक्वल टू ऐसा दिया हुआ है, तो इसमें देखो अगर ऐसा टाइप का कुछ चीज दिया हुआ है log y बेस 2 इक्वल टू एक्स, इसका इसका मतलब है, इसका मतलब दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है ना, सेम ही है, तो इसके लिए ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा, क्लियर। तो अभी लॉगरिदमिक फंक्शन में अगर आएंगे, देखो y इक्वल टू क्या है, log x बेस 2 है, सपोज एक कोई एक फंक्शन है, इस फंक्शन का अगर तुमको पूछ रहे ग्राफ बताओ ग्राफ कैसा होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस फंक्शन का ग्राफ होगा, इस फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा, अच्छे समझ लो, ठीक है। इधर देखो पहले बात तो एक चीज देखो, अगर लॉग दिखने में ऐसा होता है फंक्शन, जहां पर ए का वैल्यू ऑलरेडी कल मैं डिस्कस किया था लेक्चर में कि ए का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा एंड ए नॉट इक्वल टू वन होता है, ए नॉट इक्वल टू वन होता है। तो देखो ए का वैल्यू इधर ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन वन है, जीरो तो छोड़ो ग्रेटर देन वन है, क्लियर, एंड वन तो नहीं है, तो इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, अच्छे समझो, इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा कि ए जो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको अगर तुम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कॉन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, तुम बोलोगे सर आएगा x इक्वल टू 2 टू द पावर y आएगा, आएगा नहीं, तो इसका एंड इसका इन दोनों का बीच में डिफरेंस क्या है, सर डिफरेंस कुछ है ही नहीं, सिर्फ x की जगह में y बैठा हुआ है एंड y की जगह में x बैठा हुआ है, देख लो x की जगह में y बैठा हुआ है, y की जगह में x बैठा हुआ है, तो सिमिलरली इसका जो ग्राफ बनेगा ये भी क्या हो जाएगा, जो x वाला ग्राफ था y में कॉन्वर्ट हो जाएगा एंड y वाला ग्राफ x में कॉन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो x y, तो इसको तो तुम चेंज नहीं कर पाओगे ना, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, एक्स वाई इधर है, इधर देखो ये था x, ये था y, अच्छे समझो, जो x में है ये वाला टर्म कहां पर है, x में है, वो ये वाला पोर्शन इधर y में होगा, समझ में आ रहा है ना, ऐसा क्या हुआ है, x में गया है ना, y में गया है, y को कट किया है, तो अभी ये वाला क्या होगा, x को कट करेगा, समझ में आया नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है, तो अभी एक चीज समझो, x की जगह में y बैठेगा, बस बात खत्म। पहला स्टार्ट कहां से हुआ है, स्टार्ट हुआ है नेगेटिव x एक्सिस से, अच्छे समझो, नेगेटिव x एक्सिस से स्टार्ट हुआ है,
तो इधर भी स्टार्ट कहां से होगा, इधर एक्स की जगह में वाई बैठेगा, तो इधर पहले था ये नेगेटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हुआ था, इधर ये नेगेटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, क्लियर। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ गया है, तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस से पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाएगा, समझ में आ गया। इधर वाई का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव था, तो इधर क्या होगा, एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। तो देखो डायग्राम कैसे बनेगा, नेगेटिव वाई से स्टार्ट करके ए से जाएगा, क्लियर। समझ में आया नहीं आया, एक कब होगा, जब वो ए का वैल्यू ग्रेटर देन वन है, ए का वैल्यू जब ग्रेटर देन वन है तब जाके ऐसा टाइप का ग्राफ बनेगा, आया समझ में। अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन वन है तब जाके ऐसा टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो अभी देखो, तो एक काम करते हैं, जैसे मैं डोमेन के बारे में ही बात किया था, डोमेन तुमको पता है, डोमेन एंड रेंज क्या होगा, इसके लिए देखो डोमेन क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, इस एक्स की जगह में क्या क्या वैल्यू हो सकता है, एक्स की वैल्यू हमेशा लॉग जीरो बोल के कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता है, क्लियर, हमेशा जीरो से ज्यादा होना चाहिए, तो एक्स का वैल्यू जीरो से ज्यादा होगा एंड इनफाइनाइट तक हो सकता है, क्लियर। लेकिन y का वैल्यू इधर क्या हो सकता है, इधर कुछ भी वैल्यू हो जाए, y का कुछ ना कुछ एक वैल्यू आएगा ही ना, y का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो y का वैल्यू रेंज इधर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये चीज समझ में आ गया, क्लियर। लॉग के लिए डोमेन क्या आएगा, मतलब इनपुट क्या क्या कर सकता हूं, देखो इधर तो जीरो तुम पुट नहीं कर सकते, जीरो से बड़ा चीज पुट करना पड़ेगा, एंड इनफाइनाइट तक तुम पुट कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट कुछ भी आ सकता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, समझ में आया नहीं आया, क्लियर। तो सिमिलरली अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन वन है, मतलब बेस अगर ग्रेटर देन वन है, तब जाके ग्राफ कैसा टाइप का बनेगा, ऐसा टाइप का ग्राफ बनेगा, क्लियर। तो जहां पर ए वाला पॉइंट क्या है, इधर ए वाला पॉइंट क्या था, ए वाला पॉइंट था 0.1, इधर ए वाला पॉइंट क्या होगा 1.0, मतलब एक्स की जगह में वाई बैठेगा, वाई की जगह में एक्स बैठेगा, आया समझ में। तो एक वैल्यू याद करो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब पढ़ाया था तब मैं दो टाइप का ग्राफ ड्रॉ किया था, एक किया था ए का वैल्यू जब ग्रेटर देन वन होगा, और एक किया था ए का वैल्यू जब जीरो एंड वन का बीच में रहेगा, आ रहा है समझ में। तो इधर क्या होगा, इधर एक वैल्यू ए के लिए मैं ड्रॉ किया ग्रेटर देन वन के लिए, अभी मैं किसके लिए ड्रॉ करूंगा, सपोज सोच लो अगर लेस देन वन, जीरो एंड वन का बीच में अगर ए का वैल्यू है, उसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो अच्छे देखो, तो सोच लो अगर वाई का वैल्यू है अभी 1/2 to the power x है, क्लियर। इधर भी कैसा दिया हुआ है, इधर भी दिया हुआ है ऐसा ही 1/2 दिया हुआ है, क्लियर। तो ए अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया x इक्वल टू log 1/2 y। इसका ग्राफ कैसा हुआ था, इसका ग्राफ सिर्फ ऐसा बना था, ऐसा टाइप का ग्राफ बना था, जहां पर ए पॉइंट क्या था, सेम था 0.1 था, ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करके इधर गया था, अगर याद है तो, समझ में आ रहा है। इसमें क्या हो रहा था, ए का वैल्यू जीरो से बड़ा हो रहा है, वन से छोटा हो रहा है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। सिमिलरली लॉग में क्या होगा, सेम चीज लिखा हुआ है, देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, एक्स ऐसा चीज आएगा, मतलब ए भी वन काइंड ऑफ पॉइंट तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जहां पर सिर्फ एक्स एंड वाई, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ चेंज हो गया है, एक्स की जगह में वाई है, वाई की जगह में एक्स है, क्लियर। तो इसके लिए भी डायग्राम ग्राफ तुम चेंज कर दो, जैसे पिछले वाला किया था, कैसे चेंज करना है, एक्स की जगह में वाई बैठेगा, वाई की जगह में एक्स बैठेगा, देखो खुद ड्रॉ कर पाओगे। इधर जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हुआ है, एक्स की जगह में वाई बैठेगा, तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, ऐसा गया है, इधर ऐसे आएगा, क्लियर, समझ में आ रहा है। मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस में गया है, तो इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस से नेगेटिव वाई एक्सिस में जाएगा, आया समझ में। ए बन गया तुम्हारा वाई इक्वल टू लॉग 1/2 एक्स का ग्राफ, आया समझ में। तो ए पॉइंट क्या हो गया, ए पॉइंट सेम रहा, 1.0 ही रहा। एक कब पॉसिबल होगा ऐसा टाइप का ग्राफ कब बनेगा, व्हेन ए का वैल्यू जीरो से वन का बीच रहेगा, तब जाके ऐसा टाइप का ग्राफ बनेगा, समझ में आ गया ना, क्लियर। तो अभी देखो लॉगरिथम फंक्शन का रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा, उसका ग्राफ
कैसा है, जब बेस मतलब वन से ज्यादा है तब जाके एक ग्राफ बनेगा, जब बेस वन से छोटा वन एंड जीरो का बीच में है तब जाके अलग टाइप का ग्राफ बनेगा। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ इसका रिलेशन है, सेम है। लॉगरिथम फंक्शन को इसलिए क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स बोलते हैं, मतलब एक्स की जगह में y जाएगा, मतलब थोड़ा सा उल्टा टाइप का सोच सकते हो तुम। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको कॉपी कर लो। धीरे धीरे जब हम लोग पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी डोमेन रेंज बहुत अच्छे से देख लेना, डोमेन रेंज ग्राफ क्या होगा ये अगर समझ में आ गया तब हम लोग बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन के बाद अभी हम लोग बहुत जल्दी जल्दी फंक्शंस देख लेंगे, क्योंकि अभी का जो फंक्शन का टर्म है बहुत आसान सा चीज है। ठीक है, खुद बना पाओगे ऐसा फंक्शन के बारे में। ये फंक्शन का नाम है एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, सपोज सोच लो एलजेब्रिक फंक्शन में जहां पर एलजेब्रिक ऑपरेशन यूज होता है, जो फंक्शन में एलजेब्रिक ऑपरेशन यूज होता है, एक्स वाई जेकर टर्म मतलब एक्स जेकर टर्म रहता है। ठीक है, मतलब एक्स का ही पॉलिनोमियल होगा ऐसा चीज रहता है, तब जाके हम लोग उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, एलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, पहले लिख लो एलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है। इट कैन बी कॉन्स्ट्रक्टेड यूजिंग एलजेब्रिक ऑपरेशन। क्या क्या? एलजेब्रिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, अच्छा उसके बाद तुम्हारा सपोज सोच लो डिवीजन। ठीक है, एडिशन ले लो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके बाद तुम्हारा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट या सब्सट्रैक्शन। तो ऐसा चीज अगर यूज होता है तब हम लोग उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, एलजेब्रिक फंक्शन। तो अभी देख लो ये जो चीज है, ये तीनों है एलजेब्रिक फंक्शन का। ये तो है एलजेब्रिक फंक्शन, इसमें एलजेब्रिक फंक्शन बनेगा, ये भी एलजेब्रिक फंक्शन बनेगा, लेकिन ये देखो एलजेब्रिक फंक्शन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा एलजेब्रिक फंक्शन, क्योंकि इधर लॉग एक्स इंक्लूड हो गया है। समझ में आ गया? सिमिलरली अगर कोई सोच लो ऐसा टाइप का कुछ एक फंक्शन है एफ एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर फोर प्लस फाइव एक्स होल टू दी पावर फाइव बाई थ्री, ये भी एलजेब्रिक फंक्शन बनेगा, एलजेब्रिक फंक्शन ये भी बनेगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्लियर, समझ में आ रहा है? तो अभी एक चीज देखो, ये तीनों तो एलजेब्रिक फंक्शन बन गया, तो ये देखो एलजेब्रिक फंक्शन नहीं बना। तो जो फंक्शन एलजेब्रिक नहीं होगा उसका क्या नाम रहेगा? उसके लिए भी नाम है, उसके लिए भी नाम है। उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल। ठीक है, तो ये बीच बीच में याद रखने के लिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, तो ये सब चीज याद रखने के लिए बीच बीच में ट्रांसेंडेंटल याद रखने के लिए हम लोग मेंटल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ट्रांसेंडेंटल कितना बड़ा नाम, बड़ा लेकिन काम बहुत छोटा सा। ठीक है, खुद का डेफिनेशन इसका कुछ है ही नहीं, इसको क्या बोलते हैं, जैसे इरेशनल नंबर जैसा डेफिनेशन है। इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? सर जो रैशनल नंबर नहीं होता है उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो पहले पहले ऐसा बहुत कुछ मतलब होता था मेरे को, जैसे जब मैं डेफिनेशन भूल जाता था, सपोज सोच लो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस का डेफिनेशन मेरे को याद था, तो अभी बीच बीच में कोई कोई जगह मेरे को पूछ रहा है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो एक बार मेरे को पूछा था जब फाइवा हो रहा था, तब मैं बोला था जो लेंस कॉन्वेक्स नहीं है उसको हम लोग कॉनकेव लेंस बोलेंगे। ठीक है, ये आंसर जो होता है ना एकदम सेफ आंसर होता है, टीचर भी मतलब सोचता है ऐसा तो गलत भी नहीं बोला है सही भी नहीं बोला है, तो उसको क्या किया जाए। ठीक है, तो उसको क्या करेगा, गलत भी नहीं है सही भी नहीं है, तो मार्क्स देगा भी नहीं, दे भी नहीं पाएगा एंड नहीं भी दे पाएगा, तो क्या करेगा, तो टीचर ग्रुप पर छोड़ दो, क्या करेगा कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ये सब स्टूडेंट के लिए जो टीचर लोग होता है उसका दिमाग खराब होता है। सिमिलरली ये जो चीज बोलते हो ना, तो सेम सपोज सोच लो जब एग्जाम में होता था बीच बीच में, मैं पहले पहले ना बहुत बड़ा हरामी था। ठीक है, देख के ऐसा लग रहा है
लेकिन मैं बहुत बड़ा हरामी था। क्या करता था, जब सपोज सोच लो ट्रू फॉल्स देता था, जब मैं क्लास 5-6 में पढ़ता था तो ट्रू फॉल्स लिखने के लिए देता था, तो बीच में सोच लो कोई कोई स्टेटमेंट ऐसा है जो देख के पता नहीं रहता था ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिखता था, ले ले अभी कर, तक उसको ये सब करोगे तो क्या होगा, जीरो ही मिलेगा ना। नाउ टी है, नाउ एफ है, तो ऐसे क्या होगा, तो क्या होगा, जीरो मिलेगा नहीं। तो यही बात है, तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जो है, ठीक है, ए फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन जो फंक्शन एलजेब्रिक नहीं है, जैसे इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो रैशनल नहीं है, ठीक है, तो व्हिच इज नॉट एलजेब्रिक, जो फंक्शन एलजेब्रिक नहीं है उसको हम लोग ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बोलेंगे, ठीक है, अच्छे से प्रोनाउंसिएट करना है, प्रोनाउंस अच्छे से करना है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, तो व्हिच इज नॉट एलजेब्रिक मतलब क्या है, जो एग्जांपल तुम पूछोगे तो एग्जांपल क्या, और जो भी एग्जांपल छूट गया था, क्या एग्जांपल दिया था कि समथिंग एक्स क्यूब प्लस बीच में सपोज ln x दे रहे हो, x टू द पावर 4 प्लस 5x, ln x घुस गया था, तो इसलिए क्या हो गया, ए नॉट एलजेब्रिक लेकिन ए ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बन गया, क्लियर। सिमिलरली अगर टॉपर भी ऐसा लिखा हुआ है, कोई कोई एग्जामिनर क्या होता है ना, जो क्वेश्चन सेट करता है हरामी होता है, वो क्या करता है ना, ऐसे दे देता है, ले अभी ऐसा क्वेश्चन सेट किया, ठीक है, तो अभी सोच लो पोल्टू सर ने ऐसा क्वेश्चन एक सेट कर दिया, सर का नाम क्या है, पोल्टू, ठीक है, अभी जो स्टूडेंट है उसका नाम है बिल्टू, तो पोल्टू सर ने एक क्वेश्चन सेट किया, बिल्टू ने देखा अरे यार क्या इजी क्वेश्चन दे दिया, ले एलएनएस लिखा हुआ है, लिख इसको ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अब ये जो पोल्टू सर है इसलिए क्वेश्चन दिया था क्योंकि तुम लोग लिखो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन और मैं तो काटने के लिए ही रेडी हूं। देखो इसमें अभी किसी किसको लग रहा था किसको क्यों काट देगा, क्यों काट देगा, क्योंकि एक्स क्यू प्लस ई एल एन एक्स इसका मतलब क्या होगा, अगर लॉग का प्रॉपर्टी याद है तो इसका मतलब है एक्स, इसका मतलब ही है एक्स, तो क्या बन गया, इसमें कहां पर लॉग है, पहले देख के लग रहा था लॉग है लेकिन है क्या, नहीं है, तो क्या बन गया, एलजेब्रिक फंक्शन ही बन गया, समझ में आ रहा है, वो ट्रांसेंडेंटल लिखोगे तो बस हो गया मार्क्स, आया समझ में, तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या है वो भी समझ में आ गया हम लोगों को, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या है वो भी हम लोगों को समझ में आया, नहीं आया, आ गया। अभी इसके बाद जो फंक्शन हम लोग सीखेंगे वो एलजेब्रिक फंक्शन का एक पार्ट है, एलजेब्रिक फंक्शन का ही एक पार्ट है, उस फंक्शन का नाम क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, इस फंक्शन का नाम क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। अभी ये फंक्शन जहां पर जाओगे ये तुम्हारा पीछे पीछे जाएगा, अभी से अभी ये पीछा ले लिया तुम लोगों का, जल्दी से तुम लोगों से जाने वाला नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल सब में पॉलिनोमियल का यूज है, सब में क्या है, पॉलिनोमियल का यूज है, सब में पॉलिनोमियल का यूज है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, देखो मैं क्या बता रहा हूं, जब भी तुम सोओगे अभी से आज पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ने के बाद, जब तुम सोओगे भी ना तब याद किसका आएगा, पॉलिनोमियल का याद आएगा, क्लियर। सपना देखोगे किसका, पॉलिनोमियल का, क्योंकि पॉलिनोमियल अभी तुम्हारा जिंदगी के साथ पूरा जुड़ गया है, पॉलिनोमियल तुम्हारा जिंदगी के साथ पूरा जुड़ गया है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को याद हमेशा याद रहेगा, इसके लिए एक साइडी हो जाए, तो पॉलिनोमियल फंक्शन को याद रहेगा तुम लोगों को, इसके लिए एक साइडी हो जाए, स्टूडेंट लोग पॉलिनोमियल को क्या बोलता है पता है, स्टूडेंट लोग पॉलिनोमियल को क्या बोलता है पता है, मतलब पॉलिनोमियल इतना, मतलब ऐसे तुम लोगों के साथ जुड़ जाएगा ना, तुम लोग ये बोलने के लिए, मतलब बोलना पड़ेगा ये साइड तुम लोगों को, क्या बोलोगे तुम लोग, ये बोलोगे अगर तुमको याद करने का कोई मीटर होता ना, स्टूडेंट पॉलिनोमियल को बोल रहे हैं, मतलब तुम लोग पॉलिनोमियल को बोल रहे हो, अगर तुमको याद करने का कोई मीटर होता ना तो सबसे लंबा बिल मेरा आता, ठीक है। तो देखो पॉलिनोमियल फंक्शन
क्या है देखो, तो अभी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू ए फंक्शन दिखने में होता है ए टू दी पावर एन प्लस एक्स टू दी पावर एन प्लस ए टू दी पावर, पहले कुछ समझ में नहीं आया सर क्या क्या लिख रहे हैं, अब लिखते जाओ, आग बंद करके लिखते जाओ, पूरा कुछ टाइम बाद क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, पूरा बता दिया जाएगा। ऐसे करके जाते जाते एक टाइम में आया ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो, क्लियर, ए जीरो आया। तो ए जीरो है मतलब तुमको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन इसमें एक एक्स जीरो बैठा हुआ है, वो प्रॉब्लम नहीं है, इसमें एक एक्स जीरो बैठा हुआ है। देखो एफ एक्स के बारे में क्या लिखा हूं, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है तुम्हारा ए टू दी पावर एन एक्स टू दी पावर एन, धीरे धीरे देखो ए है कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट है सब कुछ, ए भी क्या है कोएफिशिएंट, ए भी क्या है कोएफिशिएंट, सब कोएफिशिएंट है, क्लियर। तो इसमें एक्स ये जो पावर होता है ना, तो पावर पावर ऑफ एक्स क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, ये पावर ऑफ एक्स जो है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा और नॉन नेगेटिव होगा, मतलब नॉन नेगेटिव मतलब किसका बात कर रहा हूं, जीरो का बात कर रहा हूं, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव होना चाहिए, क्लियर। तो मतलब जीरो का बात कर रहा हूं, नेगेटिव होने से पॉलीनोमियल फंक्शन नहीं होगा। सिमिलरली ये जो कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो क्या क्या है, ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन माइनस टू एन माइनस वन एन, ये सब कुछ क्या है, रियल कोएफिशिएंट है, क्या है रियल कोएफिशिएंट, मतलब बिलोंग्स टू आर, रियल कोएफिशिएंट ये सब कुछ है, आया समझ में। अभी तो सिमिलरली पॉलिनोमियल फंक्शन में वेरिएबल क्या होता है, ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, एक्स, एक्स है तुम्हारा वेरिएबल, समझ में आया। तो पावर ऑफ एक्स हमेशा एक चीज याद रखना, कैसे समझ में आएगा ये पॉलिनोमियल फंक्शन है या नहीं है, पहले एक चीज समझ में आना चाहिए, पावर ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, हमेशा आइदर पॉजिटिव इंटीजर नहीं तो नॉन नेगेटिव, मतलब जीरो होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर होगा तो तुरंत उसको मना कर देंगे, तुमको मैं पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर कॉन्सिडर नहीं कर पाऊंगा, सॉरी, क्लियर। उसके बाद जो कोएफिशिएंट होता है एक्स का, एक्स टू दी पावर एन का कोएफिशिएंट, एक्स टू दी पावर एन माइनस वन का कोएफिशिएंट, मतलब वेरिएबल जो एक्स है इसका जो जो कोएफिशिएंट होगा पॉलिनोमियल फंक्शन में, कोएफिशिएंट हमेशा रियल कोएफिशिएंट होता है, मतलब रियल नंबर से ही होता है कोएफिशिएंट, क्लियर, समझ में आया। एंड लास्टली इसका जो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है तुम्हारा एक्स है तुम्हारा वेरिएबल। अच्छा अभी डिग्री का अगर बात करेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है इसका डिग्री, तो डिग्री ऑफ एफ एक्स ये क्या होगा, डिग्री ऑफ एफ एक्स एन होगा, एन कब होगा, अगर एन तभी होगा इफ हाईएस्ट पावर, अगर हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स अगर एन हुआ, इफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इक्वल टू एन, एंड यदि एक्स टू दी पावर एन है तो उसका जो कोएफिशिएंट है एन अगर नॉट इक्वल टू जीरो हुआ, अगर ए दो सेटिस्फाई कर रहा है, हाईएस्ट पावर जो है उसका कोएफिशिएंट अगर नॉट इक्वल टू जीरो हुआ, मतलब अगर सपोज सोच लो हाईएस्ट पावर एन है, ओ एन होगा उस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा, क्लियर, हाईएस्ट पावर एन होना चाहिए एंड उसका जो कोएफिशिएंट है एन एन नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्लियर। अभी लग रहा है सपोज सोच लो इफ एन इक्वल टू जीरो, अगर एन जीरो हो गया तब जाके क्या होगा, अगर एन जीरो हो गया तब जाके क्या होगा, तब जाके क्या हो जाएगा, जीरो इंटू एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो इंटू एक्स एन, मतलब ए वाला टर्म जीरो हो जाएगा, उसके बाद एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, तब इधर से स्टार्ट होगा हाईएस्ट फंक्शन क्या होगा, हाईएस्ट पार्ट क्या होगा, एन माइनस वन होगा, तब डिग्री तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा तुम्हारा एन माइनस वन, क्लियर, समझ में आया नहीं आ रहा है। अभी एक दो एग्जाम्पल देखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन किसको बोलेंगे, इसको हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे उसका एग्जाम्पल। सपोज सोच लो ऐसा एक फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर जीरो, या सोच लो एफ एक्स इक्वल टू वन लिखा हुआ है, तब तुम सोचोगे वन कुछ नहीं है एक्स टू दी पावर जीरो है, तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल ले लो एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स, मतलब देखो एक्स स्क्वायर मिसिंग है, अरे कुछ भी मिसिंग रहने दो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसको तुम ऐसे सोच सकते हो ना, ऐसे सोच लो क्या प्रॉब्लम है,
क्लियर। देखो पावर में भी पावर क्या है, सब पावर सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। एंड जो कोएफिशिएंट है इसमें कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 0 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, सब कोएफिशिएंट भी क्या है तुम्हारा रियल नंबर है, तब जाके ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा पॉलीनोमियल बन जाएगा। ऐसा दिया हुआ है 6/x2 ए पॉलीनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये पॉलीनोमियल, क्योंकि तुमको पता है इसका मतलब है 6 × x^-2। मैं क्या बोला था, पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर या नॉन नेगेटिव, ये तो नेगेटिव हो गया, तब जाके ए नहीं होगा पॉलीनोमियल फंक्शन। समझ में आया नहीं आया? तो पॉलीनोमियल फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ग्राफ हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत बहुत टाइप ऑफ ग्राफ मिलता है। सपोज सोच लो y = x² हुआ, उसका एक ग्राफ होता है। सिमिलरली सपोज लो y = लिखा हुआ है तुम्हारा, x लिखा हुआ है, उसके ग्राफ होता है, वो स्ट्रेट लाइन होता है। y = x³, उसके एक अलग ग्राफ होता है। अगर x² + y² लिखा रहा प्लस y² लिखा रहा तो उसके लिए अलग ग्राफ होता है। तो ऐसा करके ग्राफ अलग होता है। तो ग्राफ के बारे में हम लोग धीरे धीरे बाद में डिस्कस करेंगे। पॉलीनोमियल, अभी पॉलीनोमियल फंक्शन क्या है उसका बारे में हम लोगों का आइडिया आ गया, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है तो अभी पॉलीनोमियल फंक्शन के बाद जो फंक्शन आता है वो फंक्शन का नाम है रैशनल फंक्शन। क्या फंक्शन है? रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या बोलता है? रैशनल फंक्शन क्या बोलता है? रैशनल फंक्शन एक ही चीज बताता है कि मैं हूं fx, मैं अभी अकेला नहीं आऊंगा, मैं और दो फंक्शन को साथ में लेके आऊंगा gx एंड hx। fx अगर दिखने में ऐसा हुआ वेयर gx एंड hx आर पॉलिनोमियल फंक्शन, ये और कुछ नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। सपोज सोच ले अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड hx ≠ 0 है, क्योंकि hx अगर 0 हो गया तब जाके क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, तो hx ≠ 0 होना चाहिए। ये होगा तो इस टाइप का फंक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे? रैशनल फंक्शन नाम देंगे। समझ में आया? ठीक है तो इसके मतलब क्या है, एग्जाम्पल ले लो एक fx = पकड़ के मान के चलो ऐसा टाइप का कुछ एक एग्जाम्पल ले लो, x² - 4 नीचे आ रहा है x³ + 5 ऐसा टाइप का कुछ एक आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रैशनल फंक्शन बोलेंगे। क्लियर? सिमिलरली क्योंकि एक पॉलिनोमियल है, इधर एक पॉलिनोमियल है, रैशनल फंक्शन बनेगा नहीं बनेगा? हाँ बनेगा, ऑफकोर्स बनेगा। सपोज ऐसा लिखा हुआ है 6/x² / x³, ये रैशनल फंक्शन बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर वाला क्या होता है gx hx पॉलिनोमियल होना चाहिए, ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये रैशनल फंक्शन नहीं बनेगा। आए समझ में? सपोज सोच लो क्वेश्चन अगर ऐसा दे दिया fx = x³, ये रैशनल फंक्शन बनेगा क्या? तुम बोलोगे हाँ ये रैशनल फंक्शन बनेगा। क्यों? क्योंकि सर इसको हम लोग ऐसा लिख पाएंगे x³/1, इसके बाद हम लोग ऐसा लिख पाएंगे x³/x²⁰। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी सर पॉलिनोमियल फंक्शन, ए बी पॉलिनोमियल फंक्शन, तो दोनों मिलकर रैशनल फंक्शन बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे समझ में आ गया रैशनल फंक्शन का बिहेवियर क्या है नहीं है, ये हम लोगों को पता चल गया। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? ओके, बहुत बढ़िया। तो एक चीज देखो अभी और क्या फंक्शन बचा हुआ है, एक फंक्शन क्या बचा हुआ है, एक फंक्शन बचा हुआ है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या बोलता है? बोलता है मेरे पास एक मशीन है, मेरे पास एक मशीन है जिसके अंदर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ए जैसे अंदर घुसता है ऐसे ही बाहर निकलता है। मतलब क्या है, मशीन खराब है, मशीन खराब है, कुछ चेंज नहीं होता है, जैसे घुसा ऐसे ही बाहर निकला। क्लियर? मतलब क्या है, चेंज नहीं हो रहा, कुछ भी चीज चेंज नहीं हो रहा है, जैसे जा रहा है ऐसे ही निकलता है। क्लियर? मतलब जैसे सोच लो खुद का एक आइडेंटिटी तुमको खड़ा करना है, खुद का आइडेंटिटी कैसे रहेगा, तुम क्या बोलोगे? नहीं प्यार मोहब्बत कुछ भी आ जाए मैं खुद को कभी चेंज नहीं करूंगा। ऐसा जो लड़का या लड़की जो जो ऐसा बात बोलता है वो लोग आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर आता है। समझ में आ रहा है? जो प्यार मोहब्बत के कुछ भी हो जाए चेंज नहीं होगा, मतलब एक घुसा है मशीन में डाल दिया फिर भी निकला है सेम एज यूजुअल।
क्लियर। उसको क्या, उसका एक अलग सा आइडेंटिटी है, मेरा आइडेंटिटी मेरे से कोई नहीं छीन सकता, समझ में आया नहीं। बस तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा। क्लियर। ए फंक्शन कुछ भी, ये के लिए फॉर ऑल एक्स कुछ भी हो जाए, कुछ भी बैठ जाए, तो इसका डोमेन क्या होगा, अरे एक्स की जगह में कुछ भी बिठा दो, खुद बोल रहा है कुछ भी बिठाओ, कुछ भी बिठाओ, आरएफ मतलब क्या होगा, आरएफ मतलब क्या होगा, मतलब रेंज, रेंज तुम्हारा क्या होगा, एक्स की जगह में कुछ भी बिठाओगे तो आंसर क्या आएगा, वही आएगा। तो अगर कुछ भी बिठा सकते हो, इसका रेंज भी क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर। इसका ग्राफ क्या होगा, अगर ग्राफ के बाद देखोगे तो ये अल्टीमेटली क्या है, ये फंक्शन क्या है, अल्टीमेटली वाई इक्वल टू एक्स टाइप का है ना, ये वाई इक्वल टू एक्स टाइप का है। ये मतलब क्या है, ये तुम्हारा वाई इक्वल टू एक्स, तुम लोगों को सबको पता है एक स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये हो गया तुम्हारा वाई इक्वल टू एक्स, एक आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ हो गया। बाहर बारिश बहुत तेज हो रहा है, हल्का हल्का हवा दे रहा है, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है ना, आज का वेदर बहुत मस्त है, समझ में आ रहा है। आइडेंटिटी फंक्शन के बाद जो फंक्शन आता है वो फंक्शन का नाम क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अभी कांस्टेंट फंक्शन कैसा है, आइडेंटिटी फंक्शन जैसे एक खराब मशीन में किसी को डाल दिया होगा भी चेंज नहीं हुआ, या खुद का आइडेंटिटी को ये रखना है, स्ट्रांग रखना है, मैं ऐसा हूँ ऐसा ही रहूंगा। लेकिन कांस्टेंट फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन कुछ नहीं है, कैसा टाइप का फंक्शन है, एक फंक्शन था जो रास्ते से चल के जा रहा था, ठीक है, अचानक से देखा कोई भी एक कांस्टेंट बैठा हुआ है उधर, तो उसको पकड़ा, ए चल मेरे साथ, चल तू मेरे साथ, वो कांस्टेंट का नाम क्या है, वो कांस्टेंट का नाम है सी। एक फंक्शन रास्ते से जा रहा था, वो एक कांस्टेंट को देखा बैठा था, उसको ऐसे पकड़ा, पकड़ के लेके आया, तू मेरे साथ चल, तो आके उसको डाल दिया ऐसे, चल तू ऐसे ही रहना, उधर कुछ भी हो जाए तू डटे रहना, तू कभी इधर से जाना नहीं। तो कांस्टेंट ऐसे इधर सी आके इधर बैठ गया, ये अभी नहीं हिल रहा है, ये अभी नहीं हिल रहा है। कांस्टेंट एक दिन क्या हुआ, रास्ते से जा रहा था, तो एक कांस्टेंट नहीं, सॉरी, इसके बाद जो फंक्शन आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन लिखने में कैसा होता है, एफ एक्स इक्वल टू सी, सी क्या है, वेयर सी इज ऑलवेज कांस्टेंट, वेयर सी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। मतलब क्या है, एक फंक्शन रास्ते से जा रहा था, देखा एक जगह में एक कांस्टेंट बैठा हुआ है, उसको ऐसे पकड़ा, पकड़ के बोला चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, ठीक है, वो उसको पकड़ के उसको लेके आया, आके इधर बिठा दिया, तू इधर रहना, इधर कुछ भी हो जाए तू कभी चेंज नहीं होना। तो इधर अभी एफ एक्स बैठ रहा है, एक्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, कुछ भी, वन माइनस वन टू थ्री कुछ भी हो रहा है, लेकिन ये कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा है, ये ऐसे ही रह रहा है, सी सी है, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, ऐसे ही रह रहा है बस, बाकी इधर कुछ भी कर रहा है, इसको तो मारो पीटो कुछ भी करो कभी चेंज नहीं होगा बस, तो ये ऐसा ही रह रहा। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का अगर तुम डोमेन का बात देखोगे, डोमेन क्या होता है, कुछ भी बिठा दो, इनपुट कुछ भी डाल दो, डाल दिया कुछ भी, तो फिर रेंज क्या होगा, रेंज ने बोल रहा है मेरा, और मैं तो कुछ भी नहीं हो सकता, एक कांस्टेंट को लेके आया है मैं, सिर्फ यही होगा, तो रेंज सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, हो जाएगा क्या, कांस्टेंट सी। इसका ग्राफ क्या होगा, सपोज इसका ग्राफ क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, एक्स का वैल्यू दे रहे हो तो वाई बोल रहा है मैं तो सी होऊंगा, एक्स का वैल्यू बढ़ा रहे हो वाई बोल रहा है मैं तो सी होऊंगा, एक्स का वैल्यू बढ़ा रहे हो वाई बोल रहा है नहीं नहीं मैं तो चेंज नहीं होऊंगा, कुछ भी कर लो, इधर लेके आ रहे हो बोल रहा है नहीं नहीं मैं तो सी रहूंगा, कुछ भी कर रहे हो ये सी रह रहा, तो ऐसा टाइप का एक ग्राफ बनेगा, इसका नाम क्या है, y इक्वल टू सी, ये तुम्हारा है कांस्टेंट फंक्शन, समझ में आया। जैसे एग्जांपल तुम ले लो एफ एक्स इक्वल टू वन, एक कांस्टेंट फंक्शन है, या एफ एक्स इक्वल टू तुम ले लो फाइव, कांस्टेंट फंक्शन है, कुछ भी एक कांस्टेंट इधर लिख रहे हो जो कभी चेंज नहीं होगा, x का वैल्यू चेंज करने से वो तुम्हारा हो गया कांस्टेंट फंक्शन, आया समझ में, बहुत बढ़िया। अभी इसके बाद कांस्टेंट के बाद एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है,
वो है गैंगनम गाना गाते गाते, मैगनम आइसक्रीम खाते खाते। अच्छे सुनना बेटा, गैंगनम गाना गाते गाते, गैंगनम गाना मतलब पता है ना, गैंगनम स्टाइल, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जो डांस होता है। तो गैंगनम गाना गाते गाते, मैगनम आइसक्रीम खाते खाते, जो फंक्शन आया उस फंक्शन का नाम क्या है? सिग्नम फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या है? सिग्नम फंक्शन। क्लियर? तो ये सिग्नम फंक्शन क्या करता है? अरे रुको, एक तो मैगनम आइसक्रीम खाते खाते एंड गैंगनम गाना गाते गाते ना, तो एक गाना याद आ गया अचानक से। देखो गाना अचानक से बन गया, ठीक है, क्या गाना है? रस्ते से जा रहे थे, गैंगनम गाना गा रहे थे, मैगनम चबा रहे थे, तुझे गुस्सा आया तो तू खरीद के खा, तुझे गुस्सा आया तो तू खरीद के खा। तो सिग्नम फंक्शन क्या बोल रहा है? सिग्नम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है ना, वो क्या हुआ, वो बोल रहा है कोई भी चीज आ जाए, कोई भी चीज है, मतलब कोई भी चीज नहीं, सपोज सोच लो वो देख रहा है, वो रास्ते से जा रहा था, ऐसे क्या कैसे जा रहा था, मैगनम आइसक्रीम खाते खाते जा रहा था, जो भी देख रहा है पॉजिटिव इंटीजर है जी, जो भी पॉजिटिव इंटीजर देखा, मतलब 1, 2, 3, 4 जैसे ही देख रहा है पॉजिटिव इंटीजर, उसको पकड़ के बोले तू 1 बन जा, देख रहा है रास्ते से देखा 1 ऐसे ही बैठा हुआ है, बोले तू तो 1 बनेगा, तू तो 1 है ही, तो देख रहा है 2 भी बैठा हुआ है, तू भी 1 बन, 5 बैठा हुआ है तू भी 1 बन, 1 लाख बैठा हुआ है तू भी 1 बन, 1 करोड़ बैठा हुआ है तू भी 1 बन, तो जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है सबको क्या कर दिया, 1 बना दिया, सबको क्या बना दिया, 1 बना दिया। ये क्या कर रहा है, इफ एक्स इक्वल टू 1 बन जाएगा कब, When x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो ये बोल रहा है तुमको 1 बना देना है। तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर नहीं, x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो रहा है अभी देखो, सिग्नम फंक्शन क्या करता है, सिग्नम फंक्शन क्या कर रहा था, रास्ते से जा रहा था, देख रहा है जो भी 0 से बड़ा नंबर है, जो भी 0 से बड़ा नंबर है उसको बोला है तू 1 बन जा, देख रहा है 1/2 बैठा हुआ है, तू 0 से बड़ा है चल 1 बन, 5 बैठा हुआ है तू भी 1 बन, 1 करोड़ बैठा हुआ है तू भी 1 बन, जितना भी 0 से बड़ा नंबर है उसको क्या कर रहा है, पकड़ रहा है और 1 बना रहा है, ठीक है। मतलब जैसे एक गाना है ना, सपोज सोच लो जो बड़ा आदमी है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, नंदी सर जैसा जो गरीब नहीं है, वो क्या करता है, उसका गर्लफ्रेंड को क्या बोलता है, बन जा तू मेरे रानी तुझे महल दिलवा दूंगा। सिमिलरली सिग्नम फंक्शन क्या करता है, जहां से भी x ग्रेटर देन 0 जब देखता है तब सिग्नम फंक्शन क्या बोलता है, घुस जा तू मेरी अंदर तुझे 1 बना दूंगा। समझ में? तो x ग्रेटर देन 0 हुआ तो उसको बोल दिया तू मेरे अंदर घुस जा, तुझको 1 बना दूंगा, हो गया। अभी बीच में मुलाकात हुआ 0 के साथ, बीच में मुलाकात हुआ 0 के साथ, तो उसको भी 1 बनाने गया था, तभी 1 वाले बोले सबको 1 बना रहे हो, वो 0 है, उसका एक अलग सा आइडेंटिटी है, उसको क्यों 1 बनाओगे। फिर सिग्नम ने सोचा ठीक है, उसको एक काम करते, 0 तो 0 जैसा ही है, उसको 0 ही बना देते, चलो 0 को 0 बना दिया। समझ में आया? उसके बाद चलते 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 अचानक से नेगेटिव के साथ मुलाकात हुआ, मतलब एक्स का वैल्यू अगर 0 से छोटा हुआ मतलब नेगेटिव हुआ, उसके साथ मुलाकात हुआ, तो अब ये कॉन्फ्यूजन में पड़ गया, इसको साला क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे या 0 बनाएंगे। अगर 1 बनाने गया, 1 बोला नहीं 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 मैं इतना ही सही, उससे ज्यादा नहीं दूंगा, 0 बोला ए अलग सा आइडेंटिटी है मेरा, 0 हूं मैं, ठीक है, तो मेरे को छू मत, तो उसके बाद बोला ठीक है एक काम करते हैं, जो फिर 0 से छोटा होगा उसको -1 बना देते, लो उसको -1 बना दिया। ये हो गया तुम्हारा सिग्नम फंक्शन। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई कोई इसको ऐसे भी लिखता है, कोई कोई इसको ऐसे भी लिखता है, एफ एक्स इक्वल टू, ये हो गया सिग्नम फंक्शन का, ठीक है। अब सिग्नम फंक्शन डिनोट करते हो, डिनोटेड बाय ऐसे, ऐसे डिनोट करते हैं साइन ऑफ एक्स। तो इसके मतलब क्या है, ये जो एफ एक्स लिखे हो ना, तो एफ एक्स को तुम चेंज करके, अभी एफ एक्स को अभी तुम चेंज करके ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख लो,
तब जाके और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन ऐसे भी हो सकता है सिग्नम ऑफ एक्स, ये क्या हो गया, बोल रहा है इसको और भी छोटा करो, मॉड एक्स बाई एक्स करो व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो कर दो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसमें मॉड को लेके आ गया। अभी देखो मॉड का मतलब तुमको पता है ना, मॉड एक्स क्या होता है, मॉड एक्स पॉजिटिव एक्स होता है कब, व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव एक्स कब होता है, व्हेन एक्स लेस देन जीरो, जीरो कब होता है, व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। तो मॉड एक्स अगर जीरो हो गया तब तो ये बन गया, प्रॉब्लम नहीं है। नॉट इक्वल टू जीरो मतलब अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तब मॉड एक्स की जगह में क्या बैठेगा, एक्स बैठेगा, तो एक्स एक्स कैंसिल होकर कितना आएगा, वन आएगा, तो ये हो रहा है एक्स ग्रेटर देन जीरो में वन सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली सपोज सोच लो एक्स लेस देन जीरो है, मॉड एक्स का वैल्यू अगर लेस देन जीरो है तो क्या होगा, माइनस एक्स होगा, तो माइनस एक्स बाई एक्स कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा व्हेन एक्स लेस देन जीरो, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो इनमें से कोई एक ये में लिखता है, इसको समझ में आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन का अगर डोमेन का बात करेंगे, डोमेन डोमेन क्या होता है एंड रेंज क्या होता है। डोमेन बोल रहा है मेरे को कुछ भी बिठा दो, क्योंकि देखो पॉजिटिव बिठा दो, जीरो भी बिठा सकते हो, नेगेटिव भी बिठा सकते हो ना, अगर पॉजिटिव बिठाओगे वन होगा, जीरो बिठाओगे तो जीरो होगा, नेगेटिव बिठाओगे तो माइनस वन होगा। तो इनपुट तुम कुछ भी लिख सकते हो ना, तो इनपुट मैं कुछ भी लिख सकता हूं, इनपुट मैं कुछ भी लिख सकता हूं तो लिख लिया, लेकिन जो आउटपुट होगा मतलब रेंज, वो तो कुछ भी नहीं आएगा, वो सिर्फ तीनों नंबर ही आएगा हमेशा, कुछ भी कर लो, वन जीरो माइनस वन, ये तीनों नंबर ही आएगा। आ समझ में? तो इसका ग्राफ के बारे में अगर डिस्कस करोगे, ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसे होगा, इसका ग्राफ ऐसे होगा, ये बोल रहा है अगर एक्स का वैल्यू जीरो है तब वाई जीरो होगा, तो एक्स का वैल्यू जीरो है तो वाई जीरो होगा, तो ये वाला पॉइंट एक पॉइंट है। उसके बाद बोला एक्स का वैल्यू अगर जीरो से ज्यादा हुआ तब ये हमेशा वन होगा, एक्स का वैल्यू जीरो से ज्यादा है वन, 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 तो ऐसे हो रहा है, ऐसे जा रहा है, इधर टच नहीं कर रहेगा। ठीक है ना, मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है तुम्हारा जीरो कॉमा वन, एक्स का वैल्यू जीरो है, क्लियर, इसको टच नहीं करेगा, अगर इसको टच कर दिया जाता तब क्या होगा, इसलिए मैं इसको गोल कर दिया। ठीक है ना, मतलब इसको टच नहीं करेगा, ये ओपन है, इसको टच नहीं किया। ठीक है ना, तो इसको अगर टच करता तब क्या प्रॉब्लम होता, टच करने से क्या होता, देखो टच करने से ऐसे हो जाता, ऐसा टाइप का एक आता, तो ए पॉइंट क्या हो गया, ए पॉइंट हो गया तुम्हारा जीरो वन, मतलब एक्स का वैल्यू जब जीरो होगा वाई का वैल्यू तब वन होगा, कभी होता है क्या, एक्स का वैल्यू जीरो से तो वाई का वैल्यू जीरो आता है, तो इसलिए इसको मैं छोड़ दिया, ये वाला पॉइंट को छोड़ना है, ये वाला पॉइंट छोड़ के इसका ठीक जस्ट बाप से ही ऐसे होगा। आया समझ में? सिमिलरली नेगेटिव के लिए देखो, नेगेटिव के लिए देखो, नेगेटिव के लिए बोला है एक्स का वैल्यू अगर नेगेटिव में जाएगा तो वाई बोल रहा है मैं माइनस वन होगा, सेम कॉन्सेप्ट, ए भी इधर छोड़ देना है, ये वाला टर्म को ऐसे जाना है, क्लियर, थोड़ा इसके साथ ये करके करना पड़ेगा, बस ऐसा टाइप का बनेगा, क्लियर, समझ में आया नहीं आया, ए पॉइंट भी कितना हो गया जीरो कॉमा माइनस वन, इसको भी हटा देना, तो समझ में आया इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ए वाला पॉइंट होगा, ए लाइन होगा एंड ए वाला लाइन होगा, ये हो गया तुम्हारा सिग्नम एक्स का ग्राफ। तो मैग्नम खाते खाते हम लोग भी बना लिए, ठीक है, समझ में आया। अभी सिग्नम एक्स का कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज क्या है देख लो बेटा, सपोज सोच लो सिग्नम ऑफ फाइव, वो क्या करोगे, तुम बोल गए ए वन होगा, तुम कभी मैं बोल रहा हूं सिग्नम ऑफ फाइव, तुम बोलोगे अच्छा सिग्नम ऑफ फाइव ना, तो सिग्नम लिखो, सिग्नम ऑफ फाइव कितना हो जाएगा वन, सिग्नम ऑफ वन तब बोल रहे हो ए भी फाइव होगा। उसके बाद में क्या किया, और एक सिग्नम को एड कर दिया, लो अभी सिग्नम ऑफ एक्स, मतलब कुछ भी कर रहा हूं, एक्स की जगह में क्या दे रहा हूं फाइव दे दिया। तो पहले तुम बोलोगे अच्छा ए वाला सिग्नम पहले वन बन जाएगा, तो क्या हो गया सिग्नम ऑफ ए क्या बन गया वन बन गया, ए भी क्या बन जाएगा वन बन जाएगा, सिग्नम वन फिर भी वन बन जाएगा, मतलब तुम जितना भी सिग्नम ले लो तुम्हारा क्या आएगा, सेम ही चीज आएगा, अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव माइनस वन बन जाता, अगर जीरो होता तो जीरो बन जाता, तो इसका मतलब क्या है सिग्नम ऑफ एक्स इसका वैल्यू जो होगा ए सिग्नम एक्स के साथ सेम होगा, ए सिग्नम ऑफ
सिग्मा में इसके साथ सेम होगा, ऐसे करके डॉट 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 करके अगर एन सिग्मा ले लोगे इसके साथ भी सेम होगा, ये प्रॉपर्टी नंबर वन हो गया। समझ में? प्रॉपर्टी नंबर टू देखो, प्रॉपर्टी नंबर टू बोल रहा है अगर सिग्मा ऑफ माइनस एक्स रहा वो हो जाता है माइनस सिग्मा ऑफ एक्स, कुछ भी वैल्यू पुट करके देख सकते हो, एक्स की जगह में फाइव पुट कर लो तो कितना हो जाएगा माइनस फाइव, तो माइनस फाइव क्या होता है माइनस वन होता है, एक्स की जगह फाइव पुट करो तो सिग्मा ऑफ फाइव कितना होगा वन होगा, इधर माइनस है तो माइनस वन होगा, सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है? उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है अगर सिग्मा ऑफ एक्स टू दी पावर एन है तो ए हो जाता है सिग्मा ऑफ एक्स उसका पावर में एन, ऐसा हो जाता है सिग्मा ऑफ एक्स उसका पावर में एन हो जाता है। आया समझ में? बहुत बढ़िया, इसको भी वैल्यू पुट करके देख सकते हो, ये भी ऐसा बनेगा। लास्ट ऐसे भी सोच सकते हो अगर एक्स सिग्मा में एक्स इंटू सिग्मा में एक्स, मतलब इसको अच्छे से लिखते हैं ठीक है, पहले इसको कॉपी कर लो तो उसके बाद प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। जानना मत प्रॉपर्टी क्या है, अगर एक्स इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा एक्स, इसका आंसर हमेशा एक्स होता है, कैसे, एक्स की जगह में सपोज फाइव पकड़ लो फाइव तो सिग्मा ऑफ फाइव, सिग्मा ऑफ फाइव, सिग्मा ऑफ फाइव कितना होगा वन, ए वन होगा वन इंटू वन वन इंटू फाइव तो फाइव ही आ गए। माइनस फाइव पकड़ लो माइनस फाइव, सिग्मा ऑफ माइनस फाइव, सिग्मा ऑफ माइनस फाइव, ये क्या हो जाएगा माइनस फाइव कितना होगा माइनस वन, माइनस फाइव कितना होगा माइनस वन, दोनों क्या हो जाएगा वन, वन इंटू माइनस फाइव ये भी हो गया माइनस फाइव, मतलब क्या है जो भी पकड़ रहे हो अगर जीरो पकड़ रहे हो तो क्या हो जाएगा, तो पूरा जीरो ही हो जाएगा, क्लियर, तो मतलब एक्स इंटू सिग्मा में एक्स इंटू सिग्मा में एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स होता है। आया समझ में? ये चार प्रॉपर्टी याद रखने से बाकी उतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्लियर। ये था तुम्हारा सिग्मा फंक्शन, तो अभी एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सिग्मा का, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सपोज सोच लो ऐसा दिया हुआ है सिग्मा, सिग्मा ऑफ एक्स प्लस वन, अभी सिग्मा का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, सिग्मा का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मान के चलो सिग्मा एक्स प्लस वन ए इक्वल टू वन दिया हुआ है, ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है वन दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ए अगर वन दिया हुआ है तो ये हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, तो इसका मतलब तुमको समझ में आ गया एक्स प्लस वन का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा तभी ना जाके वन आएगा तो ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो गया एक्स ग्रेटर देन माइनस वन हो गया, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया माइनस वन टू इनफाइनाइट हो गया, क्लियर। और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देख लो एक क्वेश्चन पकड़ लो सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू वन दिया हुआ है, क्लियर। अब तुम लोगों को लगेगा सर ये भी तो एक ही टाइप का क्वेश्चन है, अगर होमवर्क दे देता तुम लोग एक गलती करके रख देते एक्स स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन जीरो करते, उसके बाद एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस वन, इसके बाद एक ही लाइन एक भी लाइन लिख नहीं पाते, बोलते वो सोचते सर क्या होगा कैसे करें। हाँ तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का अंदर ट्रिक समझो, पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू वन, तो एक्स का वैल्यू ये जो एक्स स्क्वायर है एक्स की जगह मैं कुछ भी पुट कर दू एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा या नहीं, हमेशा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो ही होगा, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा उसके साथ वन को ऐड करेंगे तो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही होगा, तो इसका वैल्यू हमेशा वन होगा, एक्स के जगह में कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स का वैल्यू पूछा है तो एक्स की जगह में कुछ भी वैल्यू पुट कर दिया। आए समझ में? क्लियर। तो सिग्मा फंक्शन क्या है नहीं है इसके बारे में लगभग आइडिया क्लियर हो गया, इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो अभी उसके बाद लगभग तुम लोगों का फंक्शन वन वाला टॉपिक इसके बाद वाला जो नेक्स्ट मतलब लेक्चर होगा नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग वन 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 टू ए सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आया समझ में? तो आज जाते जाते गाना नहीं होगा, आज जाते जाते एक साइड ही हो जाए, मंजिल उन्हीं को ही मिलती है जिसकी सपने में जान होती है, मंजिल उन्हीं को ही मिलती है जिसके सपने में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसला से उड़ना होता है। स्टे सेफ स्टे एट होम, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।